हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो लोग। तो गाइस फिर से एक और वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस ये वाली वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं गेमिंग हेडफोन्स की, बहुत ही तगड़े गेमिंग हेडफोन्स की, मतलब अच्छी क्वालिटी वाले गेमिंग हेडफोन्स की। हाँ, गेमिंग हेडफोन बढ़िया वाला गेमिंग हेडफोन। सो गाइस देख सकते हो हमारे पास है लॉजीटेक के G331 गेमिंग हेडफोन। इनका प्राइस 4000 रुपये है और भाई ये अपने रेंज में बहुत ही अच्छे हेडफोन है। आपके मोबाइल में लग जाएंगे, PS4 में लग जाएंगे, PS5 में लग जाएंगे, लैपटॉप में लग जाएंगे, PC में भी लग जाएंगे, क्योंकि इसके साथ स्प्लिटर भी बॉक्स के अंदर मिलता है। अनबॉक्सिंग में वो मैं आपको दिखा दूंगा। और जहाँ भी 3.5mm का पोर्ट मिले घुसा दो, चलेगा, मस्त चलेगा। और निंटेंडो में भी चल जाएगा, तो इसका रिव्यू भी आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। तो चलो भाई, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ कमियाँ भी हैं, कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, तो वो सब मैं आपको पॉइंट आउट करके बताऊंगा कि क्या अच्छी है क्या बुरी है। माइक वगैरह टेस्ट करेंगे और गेमिंग में कैसे हैं, म्यूजिक में कैसे हैं, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना गाइस। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूंगी भाई, गिव अवे में अगर पार्टिसिपेट नहीं किया अभी तक आपने हमारे, तो जल्दी से जाके पार्टिसिपेट कर लीजिए, क्योंकि 9000 सब्सक्राइबर पे हम अनाउंस कर देंगे गिव अवे का विनर। अभी हम एंट्रीज ले रहे हैं, तो गिव अवे के वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, रूल्स वगैरह सब बताया है मैंने कैसे पार्टिसिपेट करना है, तो जाके पार्टिसिपेट करो। मे बी कॉलर क्लासिक जीत सकते हो 9000 पे रिजल्ट अनाउंस करने के बाद, 10000 पे एक और गिव अवे है, तो जल्दी से जाओ पार्टिसिपेट करो। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखने का, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरह से है लॉजीटेक G331 स्टीरियो गेमिंग हेडसेट का बॉक्स। यहाँ पे देख सकते हो लॉजीटेक की ब्रांडिंग दी गई है, नीचे लिखा हुआ है PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, क्योंकि इसमें 3.5mm का आपका पोर्ट मिलता है। तो चलो अब इसको करेंगे अनबॉक्स और देखेंगे कैसा है हेडफोन वगैरह और वायर क्वालिटी कैसी है, कप्स वगैरह कैसे हैं, और सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो ये देख सकते हो राइट साइड में लॉजीटेक की ब्रांडिंग दी गई है और पीछे कुछ और स्पेसिफिकेशन वगैरह मेंशन किए गए हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कंफर्टेबल लेदर एयरपॉड्स और स्वेल ईयर कप्स, वॉल्यूम कंट्रोल नॉब, 50mm का ऑडियो ड्राइवर है इसमें, और 6mm का स्वेल टू म्यूट माइक्रोफोन है। तो चलो अब करते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं कैसा है ये हमारा हेडफोन। ओके गाइज, तो ये देखो कुछ इस तरह से है अंदर प्लेस्ड हमारा लॉजीटेक G331 हेडफोन। ओके, तो लॉजीटेक का स्टिकर आपको मिल जाता है एक, तो उसके बाद आपको मिल जाएगी केबल, ब्रेडेड केबल नहीं है। तो भाई केबल की क्वालिटी मैं पहले ही बता दूं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, देख सकते हो आप यहाँ पे। और यहाँ पे एक आपको स्प्लिटर मिल जाता है अगर आपको PC में कनेक्ट करना है उसके लिए। और कुछ पुस्तकें हैं ज्ञान की, यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ है कि भाई कैसे क्या करना है आपको, प्ले योर वे। तो चलो ये चीज़ों को रखते हैं साइड में और थोड़ा हेडफोन को इसके प्लास्टिक से निकालते हैं और देखते हैं कैसा रहेगा हमारा हेडफोन। अरे वाह, क्वालिटी अभी से बड़ी मस्त लग रही है, छू के ही बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। वाह यार, लुक्स तो इसके बहुत ही तगड़े लग रहे हैं सच बताऊं तो। तो ये 90 डिग्री रोटेट भी हो जाता है, तो आपको बैकपैक वगैरह में रख के ले जाने में आसानी होगी। बहुत स्मूथ ये रोटेट हो रहा है, ये देख रहे हो बहुत ही स्मूथ यहाँ से। ओह, ये मेटल का है, सच में ये मेटल का है, तो टूटने उटने का खतरा नहीं है भाई। और बहुत ही स्मूथ है ये, कहीं भी अटक नहीं रहा, देख रहे हो एकदम स्मूथ आ रहा है, स्मूथ जा रहा है। तो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरह से हैं लॉजीटेक के G331 गेमिंग हेडफोन्स। इनके कफ्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं, और हल्का सा ये हेडफोन टिल्ट भी होता है अंदर की तरफ, जिससे बहुत ही अच्छे से ग्रिप बनती है आपके कानों के ऊपर। कोई भी हेड साइज हो बड़े ही आसानी से ये फिक्स हो जाएगा। और ऊपर की तरफ देखो तो यहाँ पे हेड के लिए भी ग्रिप दी गई है, जिनका कुशन भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। और ये हेडफोन्स बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं और हर डायरेक्शन से देखो तो इनका लुक्स बहुत ही अच्छा लगता है। वन ऑफ द मेन रीज़न इनका लुक ही था जिसकी वजह से मैंने इनको चूज़ किया हाइपर एक्स के सामने। और हेडफोन्स के बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी के लिए थोड़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है कह सकते हैं। हाँ, एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं।
और देख सकते हो कुछ इस तरह से है इसका प्लास्टिक, और ये जो रेड क्रोमिंग है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इनका माइक जो है, माइक के बारे में एक खास चीज़ है कि जैसे आप माइक ऊपर करते हो माइक म्यूट हो जाता है, नीचे करते ही माइक अनम्यूट हो जाता है, वो आगे हम चेक करेंगे, आगे आपको दिखा देते हैं। तो अभी ये जो आप देख रहे हो मटेरियल, ये मेटल है और ये कोई कोटिंग नहीं है प्लास्टिक के ऊपर, ये बाहर से भी मेटल है और अंदर से भी मेटल है, तो ये एक बिल्ड क्वालिटी में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देता है इस हेडफोन को। और ये चीज़ मुझे इस हेडफोन में अच्छी लगी क्योंकि इसकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी है और थोड़ी सी अच्छी रहती है इस हेडफोन के बारे में, और ग्रिप भी बहुत ही अच्छे से बना रहता है हेड पे आपके आपके ईयर्स पे। सो बात कर लेते हैं अब साउंड क्वालिटी की। तो साउंड में आपको सुना तो नहीं सकता, लेकिन मैं हाँ अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा क्योंकि ये हेडफोन मैंने बाय किया, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है। सो भाई अगर आप इन हेडफोन्स को गेमिंग के लिए ले रहे हो तो नो डाउट आप इनके लिए जा सकते हो, ये बहुत ही अच्छे हैं, इनका ट्रेबल बहुत अच्छा लगा मुझे। और वहीं बात करें म्यूजिक के लिए तो वहां पे आपको थोड़ा सा बेस की कमी लगेगी क्योंकि ये गेमिंग के लिए ट्यून किए गए हैं, 50mm का ड्राइवर है इसमें जैसा कि मैंने पहले ही बताया, तो आप गेमिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करोगे इनको लेके। सो इनका 3D सराउंड साउंड काफी अच्छा है जिसमें आपको गेम्स लाइक PUBG एंड CS:GO में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है हेडफोन्स और ये बहुत ही कंफर्टेबल है, 6 hours तक कंटिन्यूसली मैंने इसको पहन के गेमिंग भी किया है। और इनका सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगता है कि इनके माइक को आप जैसे ऊपर फ्लिप करते हो ये माइक परफेक्टली म्यूट हो जाता है। नॉइस कैंसिलेशन भी काफी अच्छा ही है, काफी हद तक मुझे अच्छा लगा इनका नॉइस कैंसिलेशन। और ऑडियो स्प्लिटर बॉक्स में मिलता है जिसकी वजह से आप अपने PC में कनेक्ट कर सकते हो, ये काफी अच्छी चीज है। और PC में थोड़ा एक्स्ट्रा आपको साउंड मिलेगा, मतलब लाउडनेस थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, ऐसा नहीं कि मोबाइल में कम मिलेगी बट PC में थोड़ी ज्यादा मिलेगी लाउडनेस। तो चलो अब मैं इनके माइक से आपको एक ऑडियो सैंपल सुना देता हूं और फ्लिप टू म्यूट का जो इस हेडफोन में हाईलाइटेड फीचर है उसे भी हम टेस्ट करेंगे। तो गाइस अभी मैं इसके माइक से आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा, अभी देख सकते हो रिकॉर्डिंग यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा और जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी इसका माइक से आपको आवाज सुनाई देगी। हेलो हेलो 1 2 3, अभी जो आप आवाज सुन रहे हो वो इसके माइक से है और इसका माइक म्यूट अनम्यूट अपने से हो जाता है जैसे ही आप ऊपर ऐसे स्लाइड करते हो, ये हो जाएगा म्यूट। ये देखो हेलो हेलो 1 2 3, तो देख सकते हो आवाज आनी स्टार्ट हो गई है। और भाई ये बहुत ही सही काम करता है, एक बार भी मिस नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एक हल्का सा आपको क्लिक मिलता है ऊपर जाता, देख सकते हो यहाँ पे अनम्यूट हो गया ये। सो ये बहुत ही बढ़िया से वर्क करता है और ये फीचर मेरे को अच्छा लगा इसका। यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल वाला बटन पीछे है, देख सकते हो यहाँ से आप इसके वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। अब यार ये हेडफोन्स बिल्कुल परफेक्ट तो है नहीं, कुछ कॉन की बातें कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा कॉन मुझे ये लगा कि इनकी केबल्स बहुत ही वीक है, ब्रेडेड नहीं है। सो अराउंड आप 4000 रुपये का एक हेडफोन ले रहे हो यार, तो कम से कम यार एटलीस्ट ब्रेडेड केबल दे दो यार, मेरा 800 रुपये का हेडफोन है उसमें ब्रेडेड केबल है। और वॉल्यूम एडजस्ट व्हील जो है वो हेड आपके ईयर कप्स के पीछे मिलता है, आप इन विंडो वॉल्यूम नहीं कंट्रोल कर सकते, ये एक और कॉन है इसका। और सारे मीडिया कंजप्शन के लिए ये बेस्ट हेडफोन नहीं है, लाइक म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, सिर्फ गेमिंग के लिए ये काफ़ी बेस्ट है और वॉइस ओवर वगैरह देने के लिए आपको अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल बात किया जाए तो अगर आप मार्केट में भी एक नया गेमिंग हेडफोन के लिए जाना चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए। HyperX Cloud Stringer और Razer से अच्छा मुझे ये लगा इसलिए मैंने इसे चूज़ किया, इसका डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो बिल्कुल इसके साथ आप जा सकते हो, बस केबल को थोड़ा सा संभाल के यूज़ करना। तो यार ये थी कुछ बातें ये वाले हेडफोन्स के बारे में, मेरा ओपिनियन आपने सुना और आप बताओ आपको कैसे लगे ये हेडफोन। मेरे हिसाब से भाई जिस प्राइस पे आते हैं उस प्राइस के हिसाब से अच्छे हैं, तो कोई भी RGB वगैरह नहीं मिलता इसमें, मेरे को RGB उतना मैटर नहीं करता, क्वालिटी ज़्यादा मैटर करता है। अच्छी चीज़ इसकी ये लगी इसका जो ये जो माइक है ऊपर करने पर म्यूट हो जाता है, नीचे करने पर अनम्यूट हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है ये। और बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहेंगे हाँ, बट थोड़ी अच्छी है। इसके ये जो मेटल्स हैं आप देख सकते हो वो अच्छे लगते हैं मुझे। तो डिस्क्रिप्शन में गिवअवे की लिंक है, जाके पार्टिसिपेट करो और बताओ कि भाई कैसा लगा आपको हेडफोन कमेंट करके, और आप ये चूज़ करोगे या HyperX का हेडफोन चूज़ करोगे ये भी कमेंट करके बताना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।